इन्वेस्टमेंट वो पूंजी होती है जिसे आप अपने और अपने परिवार के भविष्य के लिए सेव करते हैं। वैसे तो हर तरह के इन्वेस्टमेंट आपके लिए कारगर होती है, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो वक्त पड़ने पर आपके लिए सबसे बड़ी फाइनेंसर साबित हो सकती है। महिलाओं के लिए कई ऑप्शन आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के, जिसमें स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, यूलिप प्लान्स हैं, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं, गोल्ड हैं। महिलाओं के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना एक बढ़िया ऑप्शन है। आप नौकरी पेशा हैं या फिर हाउसवाइफ, ये फंड आपके और आपके परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करता है। इस इन्वेस्टमेंट से महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए सेविंग कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या है? आपके पैसे को आपके बिहाफ पे स्टॉक मार्केट में या दूसरी मार्केट में लगाते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। अगर कोई महिला इतना अपने आप को सक्षम नहीं पाती कि स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी रखे, कंपनियों के बारे में रिसर्च करे, नॉलेज रखे, तो वो म्यूचुअल फंड के ज़रिए स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगा सकती है। म्यूचुअल फंड में फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपके पैसे को मैनेज करते हैं, स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, और वो डाइवर्सिफाई भी कर देते हैं पैसे को। यानी अगर मात्र आपके पास 2,000-3,000 रुपये भी है, तब भी म्यूचुअल फंड उस पैसे से 8 या 10 अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीद लेगा। डाइवर्सिफाई करने से रिस्क कम हो जाता है, रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी अच्छी रहती है, और पर्टिकुलरली वो भी जब पैसा आपका एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट मैनेज करता है। अच्छे ग्रुप्स के म्यूचुअल फंड हैं, जैसे टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, SBI है, उसके अंदर महिलाएं घर में बैठे बैठे इन्वेस्ट कर सकती हैं। इंश्योरेंस एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आपके बाद आपके परिवार के लिए सबसे बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट बनती है। इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपनी इनकम के हिसाब से ही रकम तय करनी होगी कि आप कितना इंश्योरेंस करवाना चाहती हैं। आज की दुनिया में ये नहीं पता, अनसर्टेनिटीज इतनी है, कोई भी अनसर्टेनिटी हो सकती है जो आपके फैमिली के अर्निंग मेंबर को ऐसा नुकसान पहुंचा दे या उनकी अनफॉर्चुनेट मृत्यु हो जाए जिससे पूरे घर का बजट आने वाले सालों के लिए बिगड़ जाए। तो यूलिप एक इंश्योरेंस प्लान लेना मेरे हिसाब से महिलाओं के लिए बहुत सजेस्टेबल है। उसके अंदर क्या है कि आपकी जो ज़िंदगी का जोखिम है, लाइफ कवर, यानी अगर अनफॉर्चुनेट मृत्यु हो जाती है तो इतना पैसा आ जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी आराम से चला सकें। और उसके अलावा वो पैसा इक्विटी मार्केट में, डेट मार्केट में इन्वेस्ट भी होता रहता है, जिसके जरिए अच्छी रिटर्न आ सकती हैं। कहते हैं गहने महिलाओं को बहुत प्यारे होते हैं, जहाँ ये उनके श्रृंगार में 4 चांद लगाते हैं, वहीं ज़रूरत पड़ने पर उनके सबसे बड़े सपोर्टर भी होते हैं। ज्वेलरी में पैसा इन्वेस्ट करना भी महिलाओं के लिए एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो सकता है। आप अपनी आय के हिसाब से डायमंड, गोल्ड या सिल्वर ज्वेलरी खरीद सकती हैं। महिलाओं के लिए कहना चाहूँगा, गोल्ड आज तक आप ज्वेलरी शेप में लेती आई हैं, तरह तरह की ज्वेलरी आपको लेने का शौक रहा है, वो भी आज की तारीख में अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रूव हुई है। अगर आपने आज से 5-6 साल पहले गोल्ड ले लिया है, 6,000 रुपये 10 ग्राम था या 7,000 रुपये 10 ग्राम था, तो आज 20,000 के आसपास पहुंचा हुआ है। लेकिन गोल्ड में, यहाँ जो मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ वो ज्वेलरी लेने की नहीं, गोल्ड में एज इट इज़ इन्वेस्ट करने। बिकॉज अगर आप ज्वेलरी लेने जाती हैं तो ज़्यादातर महिलाओं को पता है कि अगर आप 10 ग्राम ज्वेलरी खरीदती हैं, गोल्ड खरीदती हैं, तो उसमें 6 या 7 ग्राम ही गोल्ड मिलता है, करीब 30% के आसपास, या तो मेकिंग चार्जेस के नाम पे या और आइटम्स लगा दी जाती हैं, और फिर सोने की खोट का भी पता नहीं होता। तो वो पहनने के लिए हिसाब से, आपकी सोशल इमेज के हिसाब से एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है, जो ज्वेलरी में ना लें, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से गोल्ड को गोल्ड कॉइन्स के रूप में, गोल्ड बार्स के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेकिंग चार्जेस कम होते हैं, अच्छी रिप्यूटेड जगह से लेते हैं तो नकली होने के चांसेस कम होते हैं, और लिक्विडिटी भी, यानी बेच भी उसे ईजिली सकते हैं। इसके अलावा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए आप PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी पैसा लगा सकती हैं। इसमें आपको अपने अमाउंट को फिक्स टाइम के लिए जमा करना होता है। आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट खोल सकती हैं। फिक्स डिपॉजिट एक ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर कई महिलाएं ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करती हैं। फिक्स डिपॉजिट 2 तरह के होते हैं, बैंक फिक्स डिपॉजिट हम सब ने सुने हुए हैं, जिनके अंदर 7 से लेके 8.5% तक का ब्याज मिलता है आज की तारीख में, वो आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में या किसी भी अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक में लगा सकती हैं। उसके अंदर जोखिम नाम मात्र होता है, और अगर 1 लाख तक किसी भी बैंक में FD कराती हैं तो वो कवर्ड होता है इंश्योरेंस से, यानी वो फुली सिक्योर्ड है। अगर एक लाख करके आप 3 या 4 बैंक्स में कर लेते हैं तो आपका पैसा फुली सिक्योर्ड है, रिस्क उसमें ऑलमोस्ट निल हो जाता है। जिंदगी में हर मोड़ पर पैसे की जरूरत पड़ती है, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो कभी खुद के इलाज के लिए, तो कभी बेटे या बेटी की शादी के लिए।
ऐसे समय में अगर आपके पास आपका खुद का सेव करा हुआ पैसा होगा तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए इन्वेस्ट योर मनी एंड फील सेफ इन लाइफ।